मेरा नाम मिथुन कुमार है, मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, मेरी परवरिश उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुई है, मेरी एक सब्जी की दुकान है। एक वक्त था सोशल मीडिया पे चीज़ें पढ़ पढ़ के मुझे ऐसा लगता था कि सरकार की नीतियों का विरोध करना देशद्रोह टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। अब मैं सरकार को ही देश मानने लगा था। एक मित्र मिले मुझे, उनसे थोड़ा परिचय हुआ। एक बार उनके साथ एक प्रोटेस्ट में जाना हुआ, वैसे ही चले गए उनके साथ। वहाँ पे जाके हमने देखा कि बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे बूढ़े हैं, कुछ लोग डफली लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमाम तरह के गीत गा रहे हैं जो जनवादी टाइप के गीत होते थे। तो मुझे उन्हें देख के आश्चर्य हुआ। तो मैंने मित्र से पूछा कि इनको पैसे कौन देता है, जो मैंने सोशल मीडिया पर मैंने देखा था कि जिस तरह की बातें वहाँ पे लिखी जाती है, प्रोटेस्ट वगैरह में लोगों को पैसे दिए जाते हैं जब भाड़े के लोग हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि इनको पैसे कौन देता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें यहाँ आने के पैसे किसने दिए। मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया और सोचते सोचते मेरे सवाल जो था उसका जवाब मिल गया था मुझे। हम और डॉली 3 साल तक रिलेशनशिप पे रहे, तो इसके बाद हमको लगा कि हमको शादी कर लेनी चाहिए। तो जब हम शादी के साथ गए तो परिवार वाले जिस रीति रिवाज से शादी करना चाहते थे, तो उसमें कई रीतियाँ ऐसी थी जो घोर महिला विरोधी लगती थी, जैसे कि एक सिंदूर वाला ही मामला हो गया। तो सिंदूर लगाना मुझे कहीं नहीं लगता है महिलाओं को कोई चीज़ थोपने जैसा है। तो परिवार वालों का दबाव भी था, तो वहाँ हमने एक आइडिया ये निकाला, हमने कहा कि अगर मैं डॉली को सिंदूर लगाता हूँ, डॉली हमको भी सिंदूर लगाएंगी। तो इस रेस से वो विवाह संपन्न भी हुआ कि हमने डॉली को सिंदूर लगाया, डॉली ने हमको लगाया। हालांकि शादी के बाद डॉली सिंदूर नहीं लगाती। सात फेरों वाला जब मामला आया तो उसमें हमने मंत्रों को देखा, जिस तरह के उसमें मंत्र थे वो भी घोर महिला विरोधी लगे। तो हमने उसका भी एक उपचार निकाला कि हमने 7 फेरे तो लिए, लेकिन मंत्र जो थे, मंत्र नहीं थे, विचार थे जो हमारे विचार थे, जिसमें 7 तरह की चीजें थी जो बराबरी की बात करती थी। सोशल मीडिया में मैं तमाम तरह के लोगों को पढ़ता था, उनमें बहुत सारे नामी राइटर भी थे, वो अपने अनुभव लिखते थे। अक्सर मैं देखता था कोई किसानों की बात कर रहा है, कोई मजदूरों की बात कर रहा है, तो उनको पढ़ते हुए लोग वहाँ पे काफ़ी तारीफ करते थे। लेकिन मैं उनको पढ़ते हुए कभी कभी मुझे लगता था यार इनमें बहुत सारी बनावटी चीज़ें, एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं है। मेरे अनुभव जो लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों को देखना, और ये तो बिल्कुल भिन्न होते थे। तो मैं सोचने लगा कि अगर ये ऐसा लिख रहे हैं और मैं तो इन सब चीज़ों से जुड़ा हूँ, अगर मैं अपने अनुभव लिखूंगा तो कितना अच्छा निकल के आएगा। तो मैंने लिखना शुरू किया। मुझे जिम जाते हुए देख अक्सर लोग पूछते, कह रहे तुम तो सब्जी वाले हो, तुम जिम क्यों जा रहे हो। तो मुझे बड़ी हंसी आती थी कि मैं सोचता था कि क्या सब्जी वाला सेहत नहीं बना सकता, क्या उसे सेहत बनाने का हक नहीं है।